घर जाते जाते बच्चों को खाना है कुछ, आ गए हैं इधर रास्ते में। ये भानी बनी सानवी की गाड़ी में बैठ गए थे ना, तो इसलिए इनको चोंच ले जाता है। हमारे गाड़ी में तो हम जबरदस्ती घर ले जाते हैं। वहाँ पर चॉकलेट की शॉप देखो, ओनली चॉकलेट्स। तो ये डोसा ये डोसा वैसे कैसे बन रहा है? अच्छा लगेगा। हाँ बच्चे खाएं। अच्छा ये बच्चों का, ये तो मेरा चॉकलेट होता है। डू यू वांट चॉकलेट वन? अच्छा ये देखो कैसे डोसा बन रहा है। आप जरा से हाथ से ही, हाँ हाथ से ही बना रहे हैं। ये मैंने अलग टाइप का डोसा बन रहा है, इसमें न्यूटेला लगा दिया, तो ये चॉकलेट। या दिस इज चॉकलेट ना, डन। ये वो है ना आटे वाला है ना ये? अच्छा ये डोसा आटे वाला है। यहाँ पे इनके पोंगल के लिए यहाँ पे ये रंगोली बनाई है। डुगु डुगु डोंट स्टेप। सिद्धार्थ के घर में भी बना है ये पोंगल के लिए। सिद्धार्थ हैप्पी पोंगल। So, अभी हम लोग आए हैं ममजार बीच। यहाँ पे आज वो मकर संक्रांति के लिए ना काइट फेस्टिवल, मतलब काइट वो कॉम्पिटिशन कुछ हो रहा है, बट इतनी भीड़ है कि पार्किंग मिल ही नहीं रही है कहीं, मतलब बहुत लंबा हो रखा है, पार्किंग नहीं मिलेगी। यहाँ पे आज कुछ फंक्शन भी हो रहा है, सुबह 10:30 से शाम के 7:30 बजे तक। जो पार्क के अंदर नहीं जा पाए वो बाहर खड़े होके उड़ा रहे। अरे देखो उस पेड़ में कितने सारे लटके देखो जिनका सब नहीं उड़ा है, सब यहीं पे बहुत सारे है। गाना वाना लगा के पतंग उड़ा रहे हैं सब। इधर ही देखो कितने सारे लोग हैं, पतंग सब उड़ा रहे हैं। फुल ऑन मकर संक्रांति सेलिब्रेट हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, एंड गाना वगैरह चल रहा है, फूड स्टॉल वगैरह लगा है, एंड बहुत लोग काइट्स उड़ा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग काइट मतलब कट भी रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे लोग हैं, तो एक कटी हुई पतंग हमें मिली, तो भाई उसको उड़ाने में लग गए। और ऊपर है पतंग, हम लेके नहीं आए हैं, बट पतंग तो मिल ही जाएगा। इतनी सुनो, हमारे घर में 5 वैसे पड़े हैं, और पतंग अभी के लिए चाहिए ना, अभी पतंग तो मिल जाएगा, कोई भी कट के आ रही है ना, जो कट के आ रही है बहुत कट रही है, बहुत कट रही है। पता नहीं आप लोगों को वीडियो में दिख रहा हो कि नहीं, मतलब ऊपर इतने सारे पतंग उठ रहे हैं, मतलब कुछ। अरे इधर इधर भी एक लगा है कट के, चलो उधर को चलो ना। हाँ अभी मैं आपको दिखाती हूँ उस तरफ का भीड़। आपको गाना वगैरह सुन रहा होगा तो हाँ, कोई सिंगर वगैरह आए हैं सब, एंड यहाँ पे भीड़ मैं दिखाती हूँ। ये देखिए काइट उड़ाने के लिए भीड़ देखिए, क्राउड देखिए, ऐसा रौनक।
उत्तराखंड ऐसा भीड़ इंडिया में कहाँ कहाँ हो रहा है मकर संक्रांति में, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने ये कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। उड़ीसा में ऐसे टाइप का नहीं होता है मकर संक्रांति में काइट उड़ाने के लिए, बट यहाँ पे देखिए कितने सारे भीड़। यहाँ पे तो पतंग किसका कौन काट रहा है कुछ पता भी नहीं चलेगा, हवा भी इतनी तेज है ना कल की तरह। ये देखिए कितनी भीड़ है। एक्चुअली क्या बेबी वेट, एक्चुअली क्या हुआ ना गाइस, हमारे बिल्डिंग में किसी का कटा पतंग, तो हमारे बिल्डिंग में ना किटी ग्रुप है लेडीज का, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। एक्चुअली मुझे सच बताऊँ मुझे किटी पार्टीज वगैरह इतना पसंद नहीं है, एंड और एक रीज़न भी था कि दो साल पहले की बात है जब हम लोग इस बिल्डिंग ज्वाइन किए थे उस टाइम पे किटी ग्रुप बना था, बट उस टाइम पे उनका टाइमिंग डिफरेंट था, 10 से 12:30 ऐसे कुछ था, तो उस टाइम पे हनीमून जल्दी स्कूल से आते थे, तो मैंने किटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो इसीलिए मुझे कुछ पता नहीं है। कल किटी ग्रुप के एक मतलब किसी के हस्बैंड जीत के फ्रेंड होंगे, तो उन्होंने बताया कि आज यहाँ पे कुछ हो रहा है फेस्टिवल, तो हमें पता चला, एंड आज हम लोग इधर सुबह से भी वे आएंगे जाएंगे नहीं जाएंगे ऐसे करके बैठे थे आलस पा के, फिर सोचा कि चलो चलते घूम के आते, तो आए तो देखा यहाँ पे इतना क्राउड है, तो हमारी बिल्डिंग की पूरी जो किटी ग्रुप है ना वो यहाँ पे आए हैं, तो जीत मुझे अभी बोले तो किटी ग्रुप ज्वाइन कर अब, ताकि सारे ये सब मतलब ये सारे फंक्शन का पता चले, क्योंकि मोस्टली ये सब ग्रुप में ज़्यादा मज़ा आता है ना, तब मैं सोच रही हूँ किटी ग्रुप ज्वाइन करूँ, क्योंकि हनी पनी का भी टाइमिंग भी लेट हो गया है, 2:30 का हो गया है, एंड सब लोग मज़ा भी करते हैं सुना है मैंने किटी ग्रुप में, तो देखते हैं आप लोग बताना किटी ग्रुप ज्वाइन करूँ कि नहीं करूँ। मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है किटी ग्रुप में, देखते हैं इस बार जीत बोल रहे नहीं थे तो अब ज्वाइन कर किटी ग्रुप। यहाँ पे भाई और जीत लगे हुए हैं, एक तो हमारा यही गया अच्छे से है नहीं ना हमारे पास, कल पूरा अच्छे से लेके आए थे सब। गाड़ी से चेयर ले आऊं क्या सुनो? नहीं नहीं अभी लेके आएंगे देखते हैं। यू गॉट वन काइट मामा, लेट्स गो नियर द बीच। हाँ जी मजा आया। अरे भाई मजे आओ, कल भी आज भी लूटू ही पतंग से 4 पतंगे काटी टोटल। क्या मौसम हो रहा है, मतलब सब लोग पतंग उड़ा रहे हैं, सनसेट हो रहा है और मतलब गाना चल रहा है और इतने सारे, अरे सबसे ज्यादा डर लग रहा है कि चारों तरफ खाली यही धागे ही धागे है। हनी पनी आराम से खेल रहे है जी, तो बच्चे हो गए कल से दोनों के दोनों, साले जीजा कल से पतंग उड़ा रहे खाली। सच बताओ गाइस, इंडिया से हम लोग 9 साल हो गए बाहर रह रहे हैं, बट कभी फील ही नहीं होता है कि हम इंडिया से बाहर। ऐसा लग रहा है कि इंडिया में धीरे धीरे शायद कम हो गया है, बट दुबई में इंडिया की सेलिब्रेशन इतने धड़ल्ले से हो रही है। पहली बार मैंने देखा मकर संक्रांति में ऐसा हो रहा है, ऐसा मेरे बचपन में कब होता था याद है?
जब 15 अगस्त का सीन होता था, तो 15 अगस्त तो दूसरे पार्ट्स में होता होगा ना, दिल्ली और बाकी उड़ीसा में तो नहीं होता है। मैं वही बोल रही हूँ, मैं चाहे होली हो गया, दिवाली हो गया, सब लोग मिलके मनाते हैं, ऐसा लगता है, मतलब लगता है। एक तो दुबई में रहना इसीलिए कि हाँ इंडिया से बहुत पास है, 3-4 घंटे में आप पहुंच भी जाते हो, और आपको फील ही नहीं होता है कि आप इंडिया से बाहर हो। चाहे सारे त्यौहार हो, वीकेंड्स में जानबूझ के सेलिब्रेट इसीलिए होता है ताकि सब लोग मतलब मिलके सेलिब्रेट कर पाए। यहाँ पे दो चीजों के सही मजे हैं, इंडिया में रहना तो इंडिया साइड पे रहो, दुबई साइड पे, और आपको यूरोप साइड पे रहना तो दूसरे साइड पे निकल जाओ, तो दोनों चीजें बहुत अच्छा। 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस भाई, देखो कितने सालों के बाद वो पतंग उड़ा रहा है, इसलिए इतना खुश है वो, कल से पतंग उड़ाने में लगा हुआ है। कितने सालों के बाद, 15 के पहले उड़ाए भी था, हम तो उड़ाते हैं यहाँ पे, बट वो मुझे याद नहीं वो कब उड़ाया होगा। मुझे सीरियसली नहीं पता था कितना माहिर है पतंग उड़ाने में। कल से मेरी पेचक आती थी, आज मैंने बराबर कर दिया है। पापा और भाई बहुत उड़ाते थे, ये मकर संक्रांति में ही। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए दुबई की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सारे इंडियन फेस्टिवल, क्योंकि इंडियंस ही यहाँ पे बहुत है ना, तो सारे इंडियन फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं। उदय के समंदर में क्या पता, दीपू तो तब से लगा हुआ है वो, देख और वो व्यू देखो, सब दीपू भी समंदर में चला गया पतंग उड़ाते उड़ाते। Yeah, so you can study here also. You want to sit here? A big, big student sit, and Devika and Tanmay teaches them. Big, big boys. Different class after the first class. Yeah. Class. Yeah. Every there are so many classes, na? So all Devika and Tanmay teaches. Dugo, don't shout, no? Slowly do. How many you are doing? सीखने के लिए तो इतने सारे इंडिया में सीखने के लिए सिर्फ और जिंदगी सीखने के लिए यू बिकम अ गुड लर्नर। पूरा पढ़ाई कर रहे हैं, केमिस्ट्री की क्लास में ड्राइंग चल रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज हो गया है नेक्स्ट डे, ये वाला ब्लॉग 3 दिन से चल रहा है। तो बस सुबह यहाँ पे मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक बना रही हूँ, ऑरेंज एंड मिंट डाल के, साथ ही साथ यहाँ पे मैं अपना जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो भी बना लूँगी। एंड जैसे कि मैं मैंने बताया हुआ कि थोड़ा सा वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इस वीक का जो डाइट है वो डिफरेंट है बिल्कुल। तो यहाँ पे रोजमेरी लीव्स जो है वो लेके आए थे, उसको अच्छे से बॉयल कर दिया। एंड जीत और मैं दोनों ही पियेंगे, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जीत का कोलेस्ट्रॉल जैसे बॉर्डर लाइन पे है, तो इसीलिए उनको भी मैं दे रही हूँ। मतलब इस वीक का जो भी मॉर्निंग ड्रिंक और नाइट ड्रिंक है वो जीत और मैं दोनों ही पियेंगे। मतलब वो ऐसे कुछ डाइट वगैरह नहीं कर रहे हैं, बट हाँ ये मॉर्निंग ड्रिंक एंड नाइट ड्रिंक जो है वो पियेंगे। ब्रेकफास्ट में यहाँ पर मैं बनाऊँगी पोहा, बहुत ही सिंपल, सब्जी वगैरह ज़्यादा कुछ था नहीं, मैंने बस मतलब मुझे जैसा पसंद है ना वैसे ही मैंने बना लिया। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, जो राई ले लिया, कड़ी पत्ता ऐड कर दिया, जो हरी मिर्च है वो ऐड कर दिया, एंड यहाँ पे प्याज एक मैंने स्लाइस करके रखे थे वो ऐड कर दिए। बस इसमें थोड़ा सा पीनट्स जो है वो ऐड कर, भी ऑलरेडी भुने हुए हैं तो इसलिए मैं बाद में ऐड कर दिया मैंने। बिल्कुल आप सब्जी कुछ भी ऐड कर सकते हो, बट मतलब आलू वगैरह ये सब ऐड कर सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया है। बस हल्दी एंड नमक स्वाद के हिसाब से ऐड कर दिया, एंड यहाँ पे पोहे को जो है वो धो के रख दिया था छन्नी में, तो बस वही ऐड कर दिया है। तो मिक्स कर लेंगे एंड ये बन के रेडी है। ऊपर से बस थोड़ा सा नींबू का जूस जो है वो डाल दूंगी। तो बस ये हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी है, सिंपल सा पोहा। एंड यहाँ पे कपड़े बहुत सारे पड़े थे, तो मैंने ऐसे कहा मैं कहा कुछ वॉच करती हूँ, देन फटाफट यहाँ पे फोल्ड कर दिया। काश ऐसे चुटकी बजाते कपड़े सारे फोल्ड हो जाते हैं ना। हेलो गाइस, तो आज हो गया है नेक्स्ट डे, एंड ये मेरा डिटॉक्स वाटर भी फिनिश हो गया, अराउंड शाम के 4 बजने वाले, तो 5 बजे से पहले मुझे ये फिनिश करना रहता है, तो वो मैंने कर लिया है। एंड कुछ लोगों का कमेंट भी आया था कि आपका थोड़ा बहुत वेट लूज हुआ है, तब अपना डाइट शेयर कीजिए, तो मैं करूँगी शेयर जब मेरा थोड़ा बहुत नोटिसेबल चेंज आ जाएगा, एटलीस्ट
पाँच छः किलो जो है वो लूज़ हो जाए, देन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। एंड मेरी डाइटिशियन भी कौन है वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, वो एक्चुअली बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, तो वो मैं शेयर करूँगी वो कौन है। एंड ऐसा नहीं है कि मेरा कोई फिक्स पर्टिकुलर डाइट है कि हाँ यही खाना है, मतलब यही खाना, ऐसा नहीं है। तो लास्ट वीक ही मैंने स्टार्ट किया है, एक ही वीक हुआ है, पहले भी मैंने उनसे मतलब पहले भी थोड़ा ट्राई किया, तो इसीलिए मुझे पता है। वो एक वीक का पूरा बना के देती है, जैसे पूरा मॉर्निंग, मंडे हो गया, मंडे का मॉर्निंग ड्रिंक, ब्रेकफास्ट, लंच, पूरा रात तक, फिर ट्यूजडे का वही, मतलब एक हफ्ते में ना, जैसे मॉर्निंग ड्रिंक जो होता है ना वो दो तीन टाइप का होता है, तो वो अल्टरनेट करके ऐसे ऐसे देती है। ब्रेकफास्ट भी वही दो तीन टाइप का होता है अल्टरनेट, उसमें मतलब आज ये खा लो, कल वो खा लो, फिर से परसों को वो खा लो, इस टाइप का। बट जब वीक चेंज होता है, मंडे से संडे पूरा हो गया, वो मतलब चार पांच टाइप का वो सब अल्टरनेट वो करके खाना होता है, देन फिर जो मंडे स्टार्ट हो, जैसे आज मेरा सेकेंड वीक है, तो पूरा डिफरेंट हो जाता है। मॉर्निंग ड्रिंक भी पूरा चेंज होता है, फिर इस वीक का अलग होता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि मतलब कोई भी चीज़ आपके बॉडी में एक हफ्ते से ज़्यादा फिर इतना असर देना स्टार्ट नहीं करता है। एंड हाँ, ऐसा कोई नहीं कि मैं बहुत जल्दी वेट लूज़ कर लूँगी, ऐसा नहीं है। जो जैसे हफ्ते में एक दो किलो लूज हुआ, एंड महीने में हम टारगेट रखेंगे 5 किलो के आसपास, जो मतलब हेल्दी वे है वेट लूज करने का, वैसा ही। तो 2-3 महीने का ही टारगेट रखा है कि हाँ ऐसा कुछ करेंगे, देखते हैं कितने देर कितना मैं कर पाती हूँ। एंड मेरे अंदर चेंजेस आए तो मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। एंड हफ्ते में एक दिन चीट डे भी मेरा रहता है, जैसे कल था, कल मैं गई थी, तो एक हफ्ते के बाद मैंने थोड़ा मतलब मैंने नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाया था, तो चिकन भी थोड़ा खाया, थोड़ा राइस भी मैंने खाया, तो अच्छा भी लगा। एंड ऐसा नहीं है कि हम जैसे फ्रेंड्स लोगों के साथ में जाते हैं वीकेंड में, डेफिनेटली हम लोग जाते हैं ना, तो एक दिन तो मैं पक्का खा लूंगी। हाँ, अगर 3-4 दिन हम लोग मिल रहे हैं तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ ऐसा कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है कि हाँ कुछ पार्टी में गए हो वो नहीं है नहीं तो मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा, ऐसा वाला नहीं होता है। चलता है, ऊपर नीचे होके वो करके मैनेज कर लेंगे, देखते हैं कितना दिन वो कर पाती हूँ मैं, कितना मैं वो खो पाती हूँ। आज वैसे मैं सुबह से थोड़ा सा नींद में हूँ, मोस्टली मंडे को मुझे नींद सी रहती है, क्योंकि सैटरडे संडे ना इतना चहल पहल घर में रहता है, या बाहर जाओ फ्रेंड्स लोगों के साथ में मिलो, या घर पे जीत रहते हैं, भाई रहता है, मतलब होता रहता है चहल पहल, वो लगा ही रहता है। मंडे को अचानक से घर खाली होता है ना मुझे, और 2 दिन की थकावट भी मुझे रहती है, तो हर मंडे को मैं थोड़ी सी ऐसे लेजी सी होती हूँ। एनीवेज सब कुछ हो गया है, काम वगैरह घर का, हनी बनी को भी मतलब खिला दिया है, वो अपना खेल रहे हैं फ्रेंड्स लोगों के साथ में। अभी मैं जाऊँगी डिनर की तैयारी करूँगी, बट आज का ब्लॉग और मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, एंड प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना कि इस बार जो मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया है उसको बीच में छोड़ूँ नहीं, मुझे हिम्मत दे कि हाँ मैं उसको कंटिन्यू करूँ। तो मिलती हूँ आपसे अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय गाइज़।